बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आईकॉम क्लास ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर लिया होगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर आपने लिया, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स का मुझे रिस्पॉन्स आया कि जी लेक्चर समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में भी होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कम टू द पॉइंट, हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे आज। मौशी सरगर्मियाँ हमारे चैप्टर का नाम है और हमारा टॉपिक भी यही है, मौशी सरगर्मियाँ। मौशी सरगर्मियाँ सबसे पहली बात होता क्या है? मौशी सरगर्मियाँ ये वो तमाम सरगर्मियाँ होती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसान किसी भी चीज़ की पैदावार और फिर उनको इन्वेस्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको ट्रेड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं मौशी सरगर्मियों में। यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। पॉइंट नंबर वन, ये आप देख सकते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक पैदावार, खपत और चीज़ों के तबादला से हो, इन्हें मौशी सरगर्मियाँ कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इंसानी मौशी सरगर्मियाँ जो हैं, इंसान जब से रूए ज़मीन पर आया है तब से, ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज़ वो है फूड एंड सेकंड थिंग इज़ शेल्टर। यानी सबसे पहली चीज़ जो उसको सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहली चीज़ खुराक है और दूसरी चीज़ रहने के लिए कोई भी साइबान। आप उसको बेहतरीन घर की फॉर्म, तो अब आके जो आप एक ब्रिक्स के साथ घर बनाते हैं वो अब आके डेवलप हुआ है, लेकिन पहले वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री लोग पत्तों के साथ अपना एक छोटा सा टेंट सा बना लेते थे। उसके बाद कपड़े के खेमे बने और कच्चे घर बने, पत्थर के घर बने, और अब जो है ये ब्रिक्स के साथ घर बन रहे हैं। वेस्ट में तो अब वुडन ब्लॉक्स के साथ भी घर बनते हैं। ठीक है, तो डेवलप होता जा रहा है। इसी तरह इंसान, ये तो हो गया रहने के तरीके, इसी तरह इंसान अपने रहने के लिए, जैसे हमने बात की थी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है। यानी आबादी जितनी कम होगी, मौशी सरगर्मी उतनी कम होगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, मौशी सरगर्मियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसकी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दी थी, ये सारा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट, इंसानी मौशी सरगर्मियों को हम 5 अदवार में तकसीम करते हैं। ठीक है, 5 अदवार में क्यों तकसीम करते हैं? हर दौर के अंदर एक पर्टिकुलर किस्म के इंसान होते हैं, मखसूस किस्म के इंसान होते हैं, उनकी मखसूस किस्म की ज़रूरियात होती हैं और वो उन्हीं मखसूस ज़रूरियात के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर एक नया दौर शुरू हो जाता है, आप नेक्स्ट जो एक फेज़ होता है उसमें स्टेप इन करते हो, एक नए दौर में कदम रखते हो। उसकी ज़रूरियात नहीं होती हैं, डिमांड्स नहीं होती हैं, सप्लाई नहीं है, डिफरेंट है, आप डेवलप कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसको फेजेस बना लेते हो। अच्छा, 5 हमने मौशी सरगर्मियों के अदवार बनाए हैं। पहला है इब्तदाई मौशी सरगर्मियाँ, सानवी मौशी सरगर्मियाँ, सलासी मौशी सरगर्मियाँ, अरबई मौशी सरगर्मियाँ और खमसवी मौशी सरगर्मियाँ। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी एंड पोस्ट क्वार्टनरी, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हमने ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स कैसे बना दिए? जैसे अगर आप इब्तदाई मौशी सरगर्मियों में देखें, काश्तकारी, कानकनी, माहीगिरी, जंगलात कशी और गल्लाबानी, ये 5 चीज़ें जो हैं ये आती हैं इब्तदाई मौशी सरगर्मियों में। गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, अगर हम शुरू में बात करें तो इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको चीज़ों का कुछ पता नहीं है। जो एक वाहिद चीज़ उसको पता है, पहला इंसान, अगर बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी होता है, तो पहली चीज़ जो उसको समझ में आती है ना, वो उसको होता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना है। राइट, बहुत छोटे बच्चे को तो खैर नहीं पता, वट एवर जो भी चीज़ आप उसके मुँह में डालते हो ना वो खा लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भूख लगी है, आई हैव टू ईट इट, डेफिनेटली। आप सॉफ्ट फूड उसको देते हो, आप उसको हार्ड फूड नहीं देते। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप छोटे से बच्चे को सेब खिलाएंगे तो वो खा लेगा, बट द पॉइंट इज़ कि एक बच्चे को पता है कि दिस इज़ द वे आई हैव टू ईट इट। ठीक है, पहली चीज़ वो सीखता है, जो वो क्या है, वो खाना खाना सीखता है। गॉट इट। तो जैसे जैसे इंसान ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं और उसका जो है
ज़िंदगी की तरफ रुझान बढ़ता जाता है, उसको चीज़ों की समझ आने लगती है, तो वैसे वैसे वो अपने आप को ग्रो करता जाता है और चीज़ें सीखना शुरू करता है। ऐसे ही अगर हम शुरू के इंसान को देखें तो उसकी ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत बेसिक सी थी, ठीक है। उसको फूड चाहिए, उसने पेट भरना है, खाना खाना है और उसी पे वो जो है वो गुजारा करेगा, ठीक है। लेकिन वक्त गुज़रता जाता है और उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं। पहले वो क्या था, फल तोड़े खा लिए, पत्ते खा लिए, वेजिटेबल जैसे रॉ खा ली। उसके बाद उसको बाद में ज़रूरत महसूस हुई जब इंसान को कि दिस इज़ नॉट इनफ, हमें आगे चलना चाहिए। फिर काश्तकारी का कॉन्सेप्ट आया कि आप नई चीज़ें जो हैं वो काश्त करते हो, मतलब बाज़ जगहों पे जब इंसान मैसेज बढ़ गए, ठीक है, तो आपको यू हैड टू डिवाइड, आपको ट्राइब्स जैसे बन जाते थे तो उसके अंदर ग्रुपिंग हो जाती थी, ठीक है, ज़्यादा लोगों के ग्रुप्स बन जाते थे। अब वो ग्रुप्स बन जाते हैं, हर ग्रुप के पास फूड अवेलेबल नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, हर जगह पे फल नहीं होंगे, हर जगह पे सब्जियां नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे, काश्तकारी करेंगे। अपने जो ज़मीन है उनको पता है, ज़मीन को तैयार किया जाएगा, उसके अंदर वो जो भी सब्ज़ी लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे वो उनको फल देगी, ठीक है। तो काश्तकारी जो है वो अगला कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद अगर आप बाकी चीज़ें भी देखें, ये सारी जो इब्तदाई मौशी सरगर्मियाँ हैं ना, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो इंसान करता है, नेचर से एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसका डायरेक्ट ताल्लुक नेचर से है, नेचर के आगे वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। मतलब उसने कोई साइंस इस्तेमाल नहीं की है, उसने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है, नेचुरल वेज हैं। जैसे माहीगिरी है, क्या है, मछलियाँ नेचर ने उसको प्रोवाइड की हुई हैं, मछली पकड़ता खा लेता है, ठीक है। जंगलात कृषि में क्या होता है कि आप जैसे लोग लकड़ी काटते हैं उसको बेच देते हैं, ठीक है, या वहाँ उससे फर्नीचर बना लेंगे, अपने रहने की चीज़ें इजी वे में अपने आप को सहूलियात देने के लिए वो चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। गल्लाबानी क्या होती है, गल्लाबानी हर्डिंग, ठीक है, जो एनिमल हर्डिंग होती है, मवेशी पालना जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो उसे हम गल्लाबानी कहते हैं। वो मवेशी पालता है, मवेशी मतलब जैसे भैंस बकरी उसको दूध देती हैं तो वो उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं। इंसान जो है बाय नेचर, इंसान हमेशा अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वो क्या है, उसने सिर्फ वो फल खाने पे गुजारा नहीं किया, उसने अपने आप को सहूलत देने के लिए उसने काश्तकारी का रुझान किया, कानकुनी की, ठीक है, खुदाई करते हैं पहाड़ों में से, चट्टानों में से, अपने अपने इलाकों के हिसाब से। अच्छा, कानकुनी, अब अगर कोई मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं वो कानकुनी की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर, वहाँ से वो क्या खोदेंगे, वो एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएंगे। इन्वायरमेंट का ह्यूमन बीइंग पे बहुत बड़ा असर होता है, क्लाइमेट जो है हमारा, इन्वायरमेंट जो है हमारा, टेरेन जो है, ज़मीन की सतह जो है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, उस पर असर रखती हैं। ऐसे ही इंसान भी अपने माहौल पर असरअंदाज होता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि इंसान कैसे माहौल पर असरअंदाज होता है, ठीक है। सानवी मौशी सरगर्मियाँ हैं जी, आगे सनतकारी आ गई। सनतकारी इब्तदाई मौशी सरगर्मियों का अगला स्टेप आप कह सकते हैं। पहले क्या था, जंगलात कशी थी, लोग लकड़ी काटते हैं, अपने इस्तेमाल की चीज़ें बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो उससे पैसे कमाते हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते इंडस्ट्री का रुख अख्तियार कर गई, तो सनतकारी जो है वो अगला दर्जा आ जाता है। सलासी मौशी सरगर्मियाँ होती हैं, ये वो सरगर्मियाँ हैं जो इंसान ने अपनी, आप कह सकते हैं कि ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो लोग अपनी खिदमात से सरंजाम देते हैं। इसका ताल्लुक इंसान के टैलेंट से, इंसान की सोच से, उसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से है, ठीक है। हुकूमती इंतज़ामिया, सेहत के शोबे, तालीम, बैंकिंग, होटल, ये सारे आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मैनेजमेंट, ये एक डिसिप्लिन है जो एक मुआशरे को बैलेंस्ड वे में, अगेन पिछले पॉइंट पे अगर हम जाएं, मैसेज बढ़ गए, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गईं, तो जैसे जैसे मसाइल बढ़ते जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ भी करते जाते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी है, इसको ऐसे करना है, या फलां चीज़ को, फलां प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम पॉइंट्स की तरफ चले जाते हैं, हुकूमती
इंतजाम बनाई जाती है, सेहत के शोबे हैं, तालीम दी जाती है, बैंकिंग है कि लाइक बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में होता है कि जी आपने जो आपकी मनी है इन्वेस्ट हो रही है, सेव हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, आप उन सारी चीज़ों को एक डिसिप्लिन में रख देते हैं, ठीक है। सेहत के शोबे हैं, ऐसे ही आप अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप रिजॉल्व करते हो। अर्ली मैन जो है अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया, या एक ही पर्टिकुलर कोई इंसान है वही ट्रीट करता है सबको। तो अब क्या है, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है आपके पास, हर बीमारी के लिए, हर इशू के लिए एक नया डॉक्टर मौजूद है आपके पास, बाकायदा हॉस्पिटल्स हैं इवन कि जी ये किडनी का हॉस्पिटल है, ये ब्रेन का हॉस्पिटल है, तो आपके पास ग्रुपिंग बना दी गई। अरबई मौशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? अरबई मौशी सरगर्मियों में आप चले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। पहले आप डोमेस्टिक लेवल पे थे, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, दूसरे ममालिक के साथ आप तजारत कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग ममालिक या कह लें कि अलग अलग प्रोविंसेस के साथ, पहले जैसे अगर आप अपने सिर्फ एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा गांव है या छोटा सा शहर है, आप उसके अंदर ही जो चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर ट्रेड करते हैं, आपने एक शॉप बना ली, आप वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलें और दूसरे शहरों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें, ठीक है, आप अपनी चीज़ें वहाँ भेजते हैं, वहाँ से चीज़ें लाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं दूसरे शहरों में, तो ये सारी चीज़ें अरबई मौशी सरगर्मियों में आ जाएंगी। खमसवी मौशी सरगर्मियाँ होती हैं फ़नी माहरीन रिसर्च सेंटर्स। ये आज का दौर है, इस वक्त हम रिसर्च पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। रिसर्च नहीं होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह सकते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च है कि आप तहकीक करते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो फेजेस हैं उसमें कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके अंदर लूप होल्स क्या हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें बैनुल अक्वामी सतह पर फ़ायदा मंद हैं, कौन सी चीज़ें मुल्की सतह पर फ़ायदा मंद हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं रिसर्च में। हर चीज़, मतलब कोई एक टॉपिक ले लें, आप कोई एक चीज़ ले लें, उसके बारे में आपने हर चीज़ जाननी है, एवरीथिंग, उसमें अच्छा क्या है, उसमें बुरा क्या है, सही गलत, सच झूठ, हर चीज़, तो वो एक प्रॉपर आप रिसर्च बनाते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में, कोई एक टॉपिक है या कोई एक पर्टिकुलर थिंग है, आप उसके बारे में सब कुछ जान लेते हो ना, एवरीथिंग, तो फिर आपको पता होता है अच्छा इसमें ये सारी चीज़ें तो ऐसे मौजूद हैं, अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। ऐसी बात है ना, जैसे मैं आपको अक्सर डोमेस्टिक लेवल की एग्जांपल्स देती हूँ, आपको जैसे अम्मी ने कह दिया कि जी आपने खाना बनाना है, ठीक है, तो ये मैंने सब्ज़ी काट के रख दी, आप खाना बना लो। अब सब्ज़ी कटी हुई है, आपको पता है कि सब्ज़ी कटी हुई है, अब आप पहले क्या करोगे, आजकल तो खैर इंटरनेट है तो बच्चियां क्या करती हैं, यूट्यूब पे देख लिया, कोई वीडियो देख ली कि अच्छा ये रेसिपी है, ये चीज़ है, तो ये खाना ऐसे 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 बनेगा, ठीक है, आपने उसके बारे में सारा नॉलेज ले लिया, आपको ये पता, जैसे आपको पता होगा, आपने ये नॉलेज ले लिया कि अगर आप भिंडी में पानी डालोगे तो वो क्या होगा, भिंडी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, उसमें पानी नहीं डालते हो आप, तो आपने ये एक आपकी इन्फॉर्मेशन थी, एक नॉलेज था, तो आपको ये पता है कि मैंने भिंडी में पानी नहीं डालना, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, आपको पता है अच्छा इसमें ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा यू वुड कुक दैट थिंग, और आप एक बेहतर तरीके से कर सकोगे, बजाय इसके कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप सारी चीज़ें, जैसे आप आलू बॉयल करने के लिए ऊपर रख दें, आप ऐसे ही भिंडियाँ प्याज हर चीज़ डाल के अंदर पानी का घड़ा भर के रख दें, तो वो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, दिस इज़, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप रिसर्च में करते क्या हैं, ठीक है, यू रीस्टडी द स्टाफ, जो चीज़ें मौजूद हैं आप उनके बारे में रीस्टडी करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं, ये मैंने अभी जो आपको बातें बताई हैं इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आपके ये नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 24 पे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है, उसके अंदर ज़रात है सबसे पहले, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ज़रात में फसलें काश्त करना और मवेशी पालना, ठीक है। जब हम ज़रात की, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर कल्टीवेशन और हर्डिंग दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब काश्तकारी भी आती है, आप फसलें भी लगाते हैं और गल्लाबानी भी करते हैं, मवेशी भी पालते हैं, ठीक है। अक्सर अगर जो आप में से मेजॉरिटी जो है उनका ताल्लुक विलेज लाइफ से है, तो आप लोगों को पता होगा कि आप क्या करते हो कि जब गंदम की फसल का मौसम आता है तो गंदम लगाई जाती है, चावल की फसल का मौसम आता है तो चावल लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो डेरा सा बना होता है, वहाँ पे आपने भैंसें और बकरियाँ वो सब भी पाले होते हैं, तो ये बेसिकली ये होल जो एक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है तब पूरा होता है जब आप इसको दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं।
एग्रीकल्चर की दो आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, काश्तकारी, गुजारा के काबिल काश्तकारी, तजारती काश्तकारी। अच्छा, ये इसमें मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स में आप ये चीज़ पढ़ोगे, एक होती है गुजारा के काबिल करते हो आप सिर्फ अपने रहन सहन के लिए, आपकी ज़रूरियात की ज़िंदगी पूरी करने के लिए, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप करते हो ट्रेड के लिए, मनी के लिए। ठीक है, यानी जैसे अगर चार भैंसें आपने पाली हुई हैं तो आपको पता है वो दूध देती हैं, तो वो आप घर का डेली बेसिस पे कंप्लीट हो जाता है, दूध इस्तेमाल हो जाता है, वो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसको इकोनॉमिक लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप उससे पैसे कमाना चाहते हो, तो आप चार की बजाय अब आप 10 भैंसे रख लोगे। चार भैंसों का दूध आपने घर पे इस्तेमाल कर लिया और बाकी की जो 6 भैंसे हैं वो दूध आपने सेल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जो है आगे काश्तकारी में भी यही चीज़ होती है। ये हमारा रूटीन है कि जैसे गंदम की फसल आती है, आप थोड़ी सी गंदम घर रख लेते हैं जो आप 6 महीने यूज़ करते हैं, और बाकी की जो है वो मार्केट में सेल कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कानकुनी है। कानकुनी के पेशे का ताल्लुक भी बहुत, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स आप कह सकते हैं, जो पहले दौर के इंसान थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। ठीक है, गल्लाबानी है, काश्तकारी है, कानकुनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे हम सानवी सरगर्मियों की बात करते हैं, अभी आपने देखा कि सानवी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। सानवी सरगर्मियों में सनतकारी आ जाती है, उसके बाद सलासी सरगर्मियों में आपका आ जाता है एजुकेशन है, बैंकिंग है, होटलिंग है, ये सारी चीज़ें सलासी, तो ये आज के दौर की चीज़ें हैं। ठीक है, डेवलप होती जा रही हैं चीज़ें। अच्छा जी, दिस वॉज होल अबाउट इकनॉमिक एक्टिविटीज़, मौशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप में इधर कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ समझ में नहीं आई है, आई वुड एक्सप्लेन इट फर्दर। ये आपकी एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के आंसर्स इसके लास्ट पे दिए हुए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, मैंने आपका जब फर्स्ट चैप्टर हमने किया था तो उसके मैंने आपको आंसर्स बता दिए थे, मार्क किया हुआ था, इसमें मैंने नहीं किया। ये आपका होमवर्क कह लें, आप इसको अपनी एक्टिविटी कह लें, आपने इसके ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चंस मुझे रिटन फॉर्म में लिख के आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और जो स्टूडेंट्स ये करेंगे मैं सिर्फ उन्हीं के अटेंडेंस मार्क करूँगी, बाकी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप एक दफ़ा चैप्टर रीड करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि जिन्होंने लेक्चर सुन भी लिया है ना पूरा, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो उसमें आप उसके अंदर क्या यहां से आंसर्स फाइंड करो, और इनको मुझे एक पेज के ऊपर लिख के रिटर्न विद योर रोल नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें पिक्चर। ठीक है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगेगी। ये आपकी एक्टिविटी है, होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, इन्जॉय करें।